आज हम बात करने वाले हैं, आज हम कुछ चीज़ों को सीखने वाले हैं और याद करेंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स 16, 17 और 18, इन तीनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपको याद नहीं रहते तो आपको याद कराने वाले हैं आज। और चाहो तो 15 भी आपको याद करा देंगे, हम 15 भी आपको याद करा देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे राइट्स आपको समझा देता हूँ। समझ लीजिए, ये व्यक्ति है राजू, पहले राजू पे हम फोकस करते हैं। राजू जब छोटा था तो स्कूल में इसको बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल वगैरह में भी इसको जाने नहीं देते थे। और शिक्षा, वैसे आपको पता है बेसिक नीड्स है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में इसको एक राइट मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन भैया आए और बोले बेटा तुम्हें राइट देंगे हम। और राइट क्या दिया है? एजुकेशन का। तो आर्टिकल 15 में एजुकेशन की बात करता है। देखो राजू का ना तो उसका कलर देखा जाएगा, ना उसका कलर के हिसाब से, अगर वो काला है गोरा है उसके बेसिस पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे एजुकेशन दी जाएगी, है ना। इसके साथ में अगर राजू की कोई रिलीजियस, उसका जो है उसका धर्म कौन सा है, उस पर भी उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उसका कास्ट कौन सी है, उसका सेक्स, उसके कौन सा वो लड़का है या लड़की है ना, या फिर वो थर्ड जेंडर में आता है, तो कुछ भी चीज़ के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इट मीन कि उसे बिल्कुल फ्रीली एजुकेशन के पास पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसमें हम आर्टिकल जो 15 की बात कर रहा हूँ, पहले मैं आर्टिकल 15 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या क्या बताई कि आर्टिकल 15 राजू को बोलता है कि तुम पढ़ाई करो ना तुम्हारे रेसिज्म कलर के बेसिस पे, ना तुम्हारे रिलीजियस मतलब तुम्हारे धर्म के बेसिस पे, ना तुम्हारे, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि इससे आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा ना, ठीक है। तो ना तुम्हारे सेक्स, ना तुम्हारे कास्ट, और ना तुम्हारे तुम कहाँ जन्मे हो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। और तुम्हें क्या दी जाएगी? तुम्हें दी जाएगी एजुकेशन। तो राजू तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि राजू को लगा, पता था कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी थिंग, ठीक है ना। तो आर्टिकल 15 ने क्या दिया राजू को? आर्टिकल 15 ने राजू को एजुकेशन के राइट दे दिया कि एजुकेशन में तुम्हें अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ना, तुम्हें राइट टू एजुकेशन आपका है, आपको पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें रिजर्वेशन की बात कर रहा है एजुकेशन लेवल पर, ठीक है। अब 16 वाला आर्टिकल क्या कहता है? 16 आर्टिकल ये कहता है कि राजू ने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अब राजू को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे राजा महाराजा वाली बात होती नहीं, लेकिन फिर भी आज हम इस चीज़ को समझने के लिए राजा महाराजा वाली बात करेंगे। तो जो राजू है, अब इसको चाहिए जॉब, दैट मीन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो राजू ने क्या करा, राजू गए महाराज के पास, महाराज मुझे जॉब चाहिए। महाराज ने बोला कि नहीं, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। बट राजू को पता था उसे एजुकेशन भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस मिली, उसके संग लोगों ने किसी ने भेदभाव नहीं करा एजुकेशन लेवल पर, तो जब जॉब में आया तो उसके संग भेदभाव क्यों हुआ? तो इसलिए आर्टिकल 7 आया भागते भागते, भाई मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, दैट मीन आर्टिकल 7 ने कहा कि तुम्हारे संग डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा कि तुम्हारी कास्ट कौन सी है, तुम्हारा रिलीजियस कौन सा है, तुम्हारा सेक्स कौन सा है, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, साथ में ही तुम रहते कहाँ पर हो, रेजिडेंस, तुम कौन से स्टेट के हो। महाराजा बोला कि भाई तुम्हारे राज्य के हो ही नहीं, पर राजू ने बोला आर्टिकल 16 भैया आकर कह रहे हैं मेरे को कि भाई तुम कहीं भी रहते हो महाराजा तुम्हें जॉब देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, तुम एजुकेटेड हो, ठीक है। तो आर्टिकल 16 यही बातें करता है। आर्टिकल 16 में ग्राउंड, सॉरी आर्टिकल 16 जो है उसमें आपके आपके आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड स्टेट माने जाते थे कि भैया 5 पीसेस पे, आर रेज 3R, मतलब 2R रेस, आपके कलर कौन सा है, आपका रिलीजियस कौन सा है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। RPSC याद कर लीजिए, RPSC राजस्थान पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन, है ना, कमीशन। तो इससे ये तो याद हो जाएगा, बस आपको एक R याद करना है, ठीक है ना। तो RPSC से याद कर लीजिए। सेकंड चीज़,
यहाँ पर हमने पांच बेसिस देखे कि यार इनको बेसिस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वहीं आपके जब जॉब की बात आती है तो जॉब में आपके दो और जुड़ जाते हैं, इसको हम याद इससे कर सकते हैं यार, रेसिज्म, रिलीजियस और रेजिडेंस। इसके अलावा सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ तो इसमें ऐड है ही, प्लस एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है कि आपको संघ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किसके बेसिस पे? नहीं, मैंने सारी चीज़ बता दी है ना, डिसेंट और ठीक नहीं, ये चीज़ें आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 17, अब आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 को याद करने का तरीका देखिए, मैंने 17 ऐसे लिखा है, अगर 17 को सही से देखेंगे तो 17 को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब 17 को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाकर इसको ऐसे और जोड़ दूँ तो क्या बन रहा है? उल्टा ही हो, दैट मीन अनटचेबिलिटी, समझिए। तो ये आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब राजू के संग अगर राजू की जॉब लगा दी आर्टिकल 16 ने, अब आर्टिकल 16 के बाद जो जॉब पे था राजू, तो उसके संग लोग भेदभाव कर देते हैं, ठीक है ना। लोगों को लगता था कि ये दूसरे राज्य का है या फिर किसी मतलब किसी बेसिस पे आप मान सकते हैं 5-6 में से, तो फिर आर्टिकल 7 आता है, भैया नहीं कोई भी तुम्हारे संग भेदभाव नहीं करेगा। और एक बहुत बड़ा अब इसमें एक मेन चीज़ जो है समझने की, अगर किसी ने इसके राजू के संग अनटचेबिलिटी करी तो राजू है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के थ्रू, जिस आदमी ने भी राजू के संग अनटचेबिलिटी करी होगी उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है। इसमें 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, या फिर 500 रुपये का भी जुर्माना, या फिर दोनों चीज़ हो सकती है। तो राजू को आर्टिकल 16 ने भी बढ़िया, 17 ने भी बचा लिया, जॉब बहुत अच्छी चल रही राजू की। अब राजू सोच रहा है यार कि मैं जॉब करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब समझदार हूँ, अब ये महाराजा इतना क्यों उतराता है इतना सामने? तो अब राजू ने सोचा यार कि ये महाराजा इसलिए ज़्यादा उतराता है क्योंकि इसे लोग महाराजा बोलते हैं, दैट मीन इसने एक टाइटल ले रखा है। तो अब आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 उठ कर आया, वो बोलता है सुनो 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 भाई राजू, तुम्हारे इस चीज़ का भी हल मेरे पास है। ये जो महाराजा है ना, इसका जो ये टाइटल है, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइटल को माना ही नहीं जाता, क्योंकि अब राजा राजा नहीं रहेगा। यहाँ पर रैक्स, एक रैक्स टर्म होती है, रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, न कि लैक्स, है ना, लैक्स वाली बात बता रहा हूँ, सॉरी रैक्स और लैक्स, सॉरी, एक लैक्स होता है, एक रैक्स होता है। तो एक होता है लॉ इज़ किंग, तो हम यहाँ पर लैक्स की बात कर रहे हैं, रैक्स को भूल जाइएगा। तो लॉ इज़ किंग, यहाँ पर रूल ही सबसे बड़े हैं, ना कि किंग इज़ रूल, है ना, किंग इज़ रूल, कि किंग का ही यहाँ पर, अब कोई राजा वाजा नहीं रहा आज के ज़माने में, आज के ज़माने में वो राजा रूल्स हो गए हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी टाइटल का यूज़ नहीं कर सकता देश में, दैट मीन ज़मींदार हो गया, आपके चौधरी बोलते हैं ना स्पेशल, कि मैं मतलब कि ज़मींदार वगैरह के लिए लेते यूज़ लेता है ना, या फिर महाराजा, दीज टाइटल्स आर नॉट यूज इन आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 अबॉलिश करता है, मना करता है, प्रोहिबिट करता है चीज़ों को। तो चीज़ें आपको समझ में आई। अब इस चक्कर में राजा भट गया, अब आराम से राजू एक समझदार आदमी था, पढ़ाई लिखाई कर उसे जॉब मिली और वो IAS बन गया। तो मेरी स्टोरी आपको समझ में आई, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। अब मैं सबको मिटाता हूँ एक बार और मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ एक बार, मैंने सब चीज़ें मजाक में बनाई थी, आपको चीज़ें याद होगी। पहले आर्टिकल 15 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15 रेसिज्म, रेस मतलब कलर, रिलीजियस मतलब आपके धर्म, आपकी सेक्स मतलब आपकी कौन से, आप लड़के हो या लड़की हो या फिर आप थर्ड जेंडर हो, और कास्ट कौन सी जाति से आप आते हो, ठीक है ना, और एक प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आपके संग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ आपको ये समझनी होगी कि अगर इसके अब 16 आर्टिकल में जब आते हैं तो आपके एक तो रेस तो आ ही जाता है, रिलीजियस भी आता है, सेक्स भी आता है, कास्ट भी आता है, प्लेस ऑफ बर्थ आता है, बट दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा जुड़ दी गई कि आपके संग डिसेंट और एक रेजिडेंस, कहाँ रहते हो आप, कौन से राज्य को, इसके बेसिस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस में? जॉब्स में। अगर कोई डिफरेंस आपको पूछना है, दोनों डिफरेंस क्या है, एक तो देखो यहाँ पर 5 बेसिस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या 7 ग्राउंड बेस, है ना, ग्राउंड बेसिस हैं, इनके बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यहाँ पर 5 है। और ये एजुकेशन के लिए पॉलिसीज हैं, है ना, एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन रिलेटेड बातें करता है, ये जॉब्स के लिए बातें करता है, ठीक है ना। 16 और 15 में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब 17 में राजू को जॉब मिल गई थी, आपको याद है राजू को जॉब तो मिल गई,
लेकिन राजू के संग क्या होता है, अनटचेबिलिटी हो रही थी। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि 17 जो है ना, 17 ऐसे लिखते हैं। अब 17 को अगर मैं जूम करूँ और 17 को यूं अगर बढ़ाऊँ तो मुझे भी उल्टा यू दिख रहा है। तो यू जब आपको दिखाया था सीमेंट, ये अनटचेबिलिटी का साइन आप समझ याद कर सकते हैं। 17 आर्टिकल्स को याद करने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है राजू के संग कोई भी किसी भी जगह पे, जैसे वो काम करता है या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन या तो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो आपकी एक एक्ट है, सिविल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, उसके तहत जो भी अनटचेबिलिटी करता है उसको पनिश किया जाएगा, 500 या फिर 6 महीने का कारावास होगा। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 बोलता है कि जब राजू की जॉब लग गई, राजू के संग अनटचेबिलिटी नहीं हो रही, तो राजू का किसे सामना हो रहा है, महाराजा से। महाराजा जी मतलब उनके पास टाइटल है, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात भी करता है हमारा आर्टिकल 18 कि कोई भी इंसान आपका टाइटल नहीं ले सकता। पहले के जमींदार वगैरह लेते थे, उसकी बात करता है यहाँ पे। इसके साथ में कुछ लोगों ने पहले ये, अब फिर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा था कि बालाजी राघवन केस था, है ना, बालाजी राघवन केस में बात उठी थी कि जो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये भारत रत्न है, क्या ये भी टाइटल्स, ये टाइटल्स हैं क्या? तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था ये टाइटल्स नहीं है, ये नेशनल रिवॉर्ड्स है, नेशनल अवार्ड है ना, तो ये टाइटल्स नहीं है। बट इसका भी यूज़ आप ऐसे नहीं प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये पद्मश्री पर भारत रत्न इनका भी यूज़ आप नहीं कर सकते अभी। बट हाँ, अगर आप कहेंगे कि IAS और आपके लेफ्टिनेंट कर्नल, ये क्या ऐसी चीज़ें, तो ये तो एक जॉब है ना, ये तो आपकी मिलिट्री अकेडमिक्स है आपकी, तो ये तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर है ये चीज़ें, तो बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, और आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एनएम अकेडमी को। जय हिंद, जय भारत।